शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्रीमद् भगवद् गीता के अध्यायों में हमने पिछली बार ध्यान योग के विषय में सुना और गीता के हिसाब से मेडिटेशन की जो सही टेक्निक है उसको भी समझा और उसके साथ के जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं उसको भी भगवान ने स्पष्ट किया कि कैसा अनुभव होता है उस मेडिटेशन का। तो ये जैसे हमारे लिए एक मीटर हो जाता है कि जिस मीटर के आधार पर हम स्वयं को चेक कर सकते हैं कि सचमुच मेरे मेडिटेशन के ये एक्सपीरियंसेस है या नहीं है। इस ध्यान योग में जो अर्जुन के कई सवाल थे कि मन बहुत हटी है, मन भाग जाता है, नहीं लगता है, तो भगवान ने कहा इनिशियल स्टेज में ये सब होता है लेकिन कोई बात नहीं, उसको फिर से वापस खींच के तुम ला सकते हो क्योंकि अब तक हमने अभ्यास नहीं किया और अब अचानक अगर शुरू करेंगे तो इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम्स वो तो आएंगे ही। तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को भी ऐसे ध्यान योग का अभ्यास करना है। अगर मान लो कि पुरुषार्थी की श्रद्धा है लेकिन एंड मोमेंट पर अगर उसको कुछ और याद आ गया तो उसकी क्या गति होगी, तो वो भी भगवान ने स्पष्ट किया कि पुरुषार्थी कभी नष्ट नहीं हो जाता है लेकिन वो दूसरे जन्म में जाकर के पुनः अपने पिछले संस्कारों को जागृत करता है और जागृत करके पुनः अपने पुरुषार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो जैसे कई प्रकार की बातों की क्लेरिफिकेशन गीता के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाती है। आज सातवें अध्याय में आगे बढ़ेंगे कि जिसमें भगवान को सात प्रश्न, आठवें अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे। सातवें अध्याय में ये भी हम सभी ने देख लिया कि भगवान ने कहा कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला मुझे पहचानता है और यहाँ इनडायरेक्टली अर्जुन को भी ये इशारा मिला कि तुमने भी अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। और इस तरह से जब कहते हैं भगवान कि भाई तुमने भी मुझे यथार्थ रूप में पहचाना नहीं है, तब
तब फिर उसके प्रश्न थे कि कौन पहचान सकते हैं। तो चार प्रकार के लोग बताए कि जो प्रॉब्लम्स में है वो दिल से याद करते हैं, जो बिजनेसमैन है जिनको प्राप्ति करनी है वो याद करते दिल से, जो ज्ञान के जिज्ञासु होते हैं और जो अध्यात्म को समझने वाले लोग हैं, ये चार प्रकार के लोग मुझे दिल से याद करते हैं। परंतु भगवान कहते हैं कि मुझे प्रिय कौन है, तो कहा मुझे प्रिय वह है जो मेरी शरण को ग्रहण करता है, अर्थात यथार्थ रूप में मुझे पहचान करके, मैं जो हूं जैसा हूं वैसे मुझे पहचान करके मेरी शरण में आता है, वो मुझे अति प्रिय है। और इस प्रकार के जो है क्वेश्चंस पूछने के बाद, और ये भी कहा कि हाँ मुझे कौन पहचानते हैं, जो मोह से मुक्त है, जो पवित्र बनते हैं, अपने व्रत में दृढ़ रहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रहते हैं, वो मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान करके मेरी शरण में आता है। और देवताओं की शरण में कौन जाता है, तो जिनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है वो देवताओं की शरण में जाता है, और अपने अपने स्वभाव अनुसार वो उनकी पूजा के विधि विधान बनाते हैं। साथ ही भगवान ने ये भी कहा कि देवताओं को के द्वारा उनको प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन वो देवताओं में मुझे देखते हैं कि परमात्मा ये स्वरूप है, इसीलिए प्राप्ति उन्हें कराता हूं मैं, कराने वाला तो परमात्मा है, लेकिन वो प्राप्ति क्षणिक और सीमित होती है, माना टेम्पररी होती है और बहुत लिमिटेड प्राप्ति उन्हें हो जाती, लेकिन उसी में वो खुश हो जाते हैं। अब आठवें अध्याय में अर्जुन के सात प्रश्न है जो हमारे मन के अंदर भी उत्पन्न हो सकते हैं, और इसीलिए इस अध्याय को कहा अक्षर ब्रह्म योग। गीता का हर चैप्टर योग है कि भगवान के साथ अपने आप को जोड़ने पर किस तरह के अनुभव या किस तरह की प्राप्तियां होती है, उस बात को लेकर के हर चैप्टर योग बताया। अक्षर ब्रह्म योग भगवान योग विज्ञान पर बल देते हैं, ये योग साइंस है, तो योग विज्ञान पर बल देते हैं। वे इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी जो अवस्था होती है वैसे ही उसकी गति होती है। वह हमें ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि का भी ज्ञान देते हैं, साथ साथ व्यक्त और अव्यक्त का अंतर भी स्पष्ट करते हैं, तथा इस भौतिक जगत में भौतिक जगत से जाने के दो मार्ग के बारे में भी स्पष्ट करते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर सातवें श्लोक तक अर्जुन के सात प्रश्न और उसके बहुत टू द पॉइंट उत्तर दिए हैं। आठवें श्लोक से लेकर सोलहवें श्लोक तक योगयुक्त होकर ध्यान की यथार्थ प्रक्रिया बताई है, पुनः उसके और एक्सपीरियंसेस को स्पष्ट किया है। 17वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि तथा परम धाम का वर्णन किया गया है, और 23वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का विषय लिया गया है। इस तरह से आठवें अध्याय के अंदर हम कुछ बातों को स्पष्ट समझेंगे। अब जो अर्जुन के सात प्रश्न है वो सात प्रश्न कौन से हैं? तो पहला प्रश्न जो है उसका, अब यहां जैसे भगवान ने उसको आगे कहा कि तुम भी मुझे यथार्थ नहीं जानते हो, और जब तक तुम पवित्र होकर के मोह मुक्त नहीं होंगे तब तक तुम मुझे भी नहीं पहचानते हो। अब अर्जुन को थोड़ा रियलाइजेशन हुआ, अब वो एड्रेस करता है परमात्मा को, हे पुरुषोत्तम, के
जैसे कहा कि ये संसार का खेल तीन सत्ताओं के बीच में चलता है, पुरुष, परम पुरुष और प्रकृति। ये भी भगवान ने स्पष्ट किया था। तो अब जब उसको महसूस हुआ कि हाँ पुरुषोत्तम परमात्मा है, तो अब वो एड्रेस करता है परमात्मा को, हे पुरुषोत्तम, पहला क्वेश्चन है ब्रह्म क्या है, दूसरा क्वेश्चन है अध्यात्म क्या है, तीसरा सवाल है श्रेष्ठ कर्म क्या है, चौथा सवाल है भौतिक जगत क्या है, पांचवा सवाल है देवता क्या है, और छठा सवाल है यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है और वह मनुष्य शरीर में कैसे है, और सातवां सवाल है मृत्यु के समय आत्म संयमी आपको कैसे जान सकते हैं। ये सात सवाल के बहुत सुंदर स्पष्ट जवाब दिए है भगवान ने। और पहले प्रश्न में भगवान ने कहा, जब कहा ब्रह्म क्या है, तो भगवान कहते जो अक्षय है, अविनाशी है और दिव्य तत्व है। अक्षय मना जिसका क्षय डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, जो समाप्त नहीं हो सकता है, अविनाशी मना जो विनाश को प्राप्त नहीं होता है, दिव्य जो एक दिव्य प्रकाश का तत्व है जिसका विधान कभी नहीं बदलता है। अर्थात जैसे इस मनुष्य सृष्टि के लॉज चेंज होते हैं, तामसिक होते हैं तो लॉज चेंज होते हैं, सात्विक लोगों सात्विक समय पर लॉज चेंज होते हैं, तो भगवान कहते हैं इसका विधान कभी नहीं बदलता, इटर्नल, इसीलिए उसको कहा जाता इटर्नल विच इज देयर परमानेंट। वह ब्रह्म महतत्व है, वह एक ऐसा दिव्य तत्व है जो अक्षय है, अविनाशी है, दिव्य है और जिसके लॉस कभी चेंज नहीं होते हैं। दूसरा सवाल जो कहा अध्यात्म क्या है, इतने टू दी पॉइंट जवाब दिए है भगवान ने हर प्रश्न के, लंबा लंबा नहीं। आज किसी को अगर कहे अध्यात्म क्या है तो शायद आधा घंटे का लेक्चर दे दे, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। लेकिन भगवान ने एक लाइन में जैसे उसके उत्तर दिए हैं कि अध्यात्म क्या है, तो कहा जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के अध्ययन द्वारा माया के अधिपत्य से निकलकर आत्मा के अधिपत्य में स्थित हो उन्नति को प्राप्त करता है, वह अध्यात्म है। अब यहां शायद आप लोगों को वर्ड्स बहुत हैवी महसूस होंगे कि बहुत हाई लैंग्वेज है, लेकिन अध्यात्म को मैं सिंप्लीफाइड करती हूं कि अध्यात्म माना कि अध्ययन, अध्यात्म शब्द अध्ययन, स्टडी, स्टडी से निकला है। तो किस चीज की स्टडी, तो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की स्टडी। अब इस स्टडी से क्या होगा, तो कहा माया के अधिपत्य से निकलकर, माया का अधिपत्य माना उसके इन्फ्लुएंस, अधिपत्य माना जिस जो जो इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर हावी हो गई है, तो वो माया के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलते हैं इस स्टडी से, और आत्मा के अधिपत्य माना जिसको बाबा कहते हैं सेल्फ सोवेरनिटी, तो जो सेल्फ सोवेरनिटी स्व के भाव में स्थित होकर के, सोल कॉन्शियस होकर के उन्नति को प्राप्त करता है, माना जो निरंतर प्रगति जीवन में अनुभव करता है, ऐसी स्टडी है, इसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। कितनी सुंदर बात कही, बिना पुनः पढ़ती हूं मैं कि अध्यात्म क्या है, तो अध्ययन द्वारा उन्नति को प्राप्त करना, इन वन लाइन, अध्ययन द्वारा उन्नति को प्राप्त करना। लेकिन उसको थोड़ा डिटेल किया है परमात्मा ने कि जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का अध्ययन, स्टडी के द्वारा माया के अधिपत्य से निकलकर, माया के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल करके आत्मा के अधिपत्य माना सेल्फ सोवेरनिटी में या सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होकर के जो निरंतर उन्नति को प्राप्त करता है,
वो है अध्यात्म। तो कितना सिंपल, आज नहीं तो जैसे कहा कि किसी को भी अगर पूछा जाए व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, कितना लंबा लेक्चर देंगे, और वो लेक्चर के बाद भी शायद समझ में नहीं आए कि आखिर व्हाट इज द एसेंस। तो भगवान के हर सवाल का जो जवाब है एसेंसफुल है। तीसरा सवाल जो पूछा, श्रेष्ठ कर्म क्या है, तो भगवान कहते पंच महाभूतों से उत्पन्न देह के अभिमान या विकारों से परे रहकर जो सकारात्मक कर्म करते हैं वह सुकर्म या श्रेष्ठ कर्म है। कितनी सुंदर बात कही कि जो बॉडी कॉन्शियसनेस है या जो बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण जो विकार है, सारे वाइसेस है, उससे जब परे हो जाते हैं, उससे डिटैच्ड हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, और जो आप पॉजिटिव कर्म करते हैं विदाउट एनी इल फीलिंग्स टुवर्ड्स एनीवन, एकदम शुभ भावना शुभ कामना के साथ उस सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में स्थित होकर के जो कर्म करते हैं उसको कहते हैं श्रेष्ठ कर्म, है ना। चौथा क्वेश्चन जो पूछा कि ये भौतिक जगत क्या है, क्योंकि आज दुनिया के अंदर भौतिक जगत के लिए यही कहा जाता है ये भौतिक जगत मिथ्या है, इट इज एन इल्यूजन। लेकिन वास्तव में भगवान ने कितनी सुंदर बात कही कि पंच महातत्वों से बना यह संसार जिसमें प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, क्योंकि जब कहा यह संसार का खेल तीन सत्ताओं के बीच में है, पुरुष परम पुरुष और प्रकृति, तो पंच महातत्वों से बना यह संसार जिसमें प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, इट्स चेंजिंग कॉन्स्टेंट चेंजिंग, ये भौतिक जगत है ना। इतना इससे सिंप्लीफाइड फॉर्म और कोई हो नहीं सकता है जो एक्सप्लेन करे भगवान। पांचवा सवाल जो भगवान करते हैं कि यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है और देवता क्या है, तो भगवान कहते हैं कि देहधारियों में श्रेष्ठ देवता, देहधारियों में श्रेष्ठ देवता, ये दो प्रश्नों का इकट्ठा जवाब है, देवता क्या है और यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है। तो कहा देहधारियों में श्रेष्ठ देवता, और वो देवता का शुभ कर्म रूप यज्ञ जो जीवन के अंदर व्यक्ति शुभ कर्म करता है, ये शुभ कर्म जिससे आत्म शुद्धिकरण होता है, तो उस यज्ञ का अधिष्ठाता माना उसका क्रिएटर, अधिष्ठाता माना क्रिएटर मैं ही हूं। परमात्मा कहते हैं देहधारियों में श्रेष्ठ देवता और उसका शुभ कर्म रूपी यज्ञ का अधिष्ठाता मैं ही हूं, आई एम द क्रिएटर। उसके बाद लास्ट प्रश्न जो आता है कि मृत्यु के समय आत्म संयमी परमात्मा को कैसे जान सकता है, मानो किसी का मृत्यु का समय आ गया है और उस समय उसके मन में ईश्वर के विषय में जानने की इच्छा हो तो कैसे जानेंगे या क्या गति होगी उसकी। तो भगवान ने बहुत सुंदर बात यहां कही है, जिसने जीवन भर जो अभ्यास किया जो प्रैक्टिस किया है उसे अंत काल में वही स्मृति रहती है, और जो अंत काल में मेरी स्मृति में रहकर देह त्याग करता है वह मेरे सानिध्य में माना मेरे पास आ जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम हर समय मेरी स्मृति में रहकर युद्ध करो, अर्थात संघर्ष करो, है ना, जीवन का संघर्ष, काम क्रोध लोभ, किससे संघर्ष करना है, किससे फाइट है हमारी, हमारी फाइट है ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये दुर्जय शत्रु है, ये शत्रु परमात्मा स्मृति में रहने नहीं देंगे, डेफिनेट है, ये शत्रु ही हमें
परमात्मा स्मृति में रहने नहीं देंगे, उसी समय जब भी भगवान को याद करने बैठो, उसी समय मायावी प्रवृत्ति बाधा के रूप में प्रत्यक्ष उद्भव होती है, एकदम सामने आ जाती है। आप भगवान को याद करने बैठो, उसी समय क्या करेगी? माया। तो माया ये पांच विकारों को कहा गया है, वो प्रत्यक्ष रूप में उद्भव होती है। तो ये जो कहा, जिसने जीवन भर जो अभ्यास किया है तो उसे अंत काल में वही स्मृति रहती है। इसलिए हमें अभी डिसाइड करना है कि हमें कौन सी प्रैक्टिस को जीवन में बढ़ाना है, ताकि हमें अंत समय परमात्मा की याद आए। नहीं तो वो एक कहानी मुझे याद आती है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति था, खेती बाड़ी करता था, तो उसका अंतिम समय आ गया। उसके तीन बेटे थे, तो तीन बेटे थे तो उनको भी बुला लिया गया कि भाई, क्योंकि वो नौकरी के कारण अलग अलग जगह पर थे, और ये बुजुर्ग भाई जो था वो गांव में रह करके खेती बाड़ी कर रहा था। तो जब उसका अंतिम समय आया तो उसके तीनों बेटों को बुला लिया गया, भाई तेरे फादर का भी लास्ट मोमेंट है, तुम आ जाओ। तो आ गए तीनों। अब जैसे ही उसको खटिया से, भारत में तो नीचे जमीन पर रख देते हैं, सुला देते हैं, नहीं तो फिर खटिया गद्दा सब कुछ खराब मना हो जाता, उसको घर में नहीं रख सकते हैं, सारे बैक्टीरिया भर जाते हैं। तो इसीलिए उसको नीचे जमीन पर सुला दिया। तब जब जैसे ही जमीन पर सुला दिया तो कहा जाता है कि अंतिम समय लोगों की वाचा चली जाती है। सबसे पहले जिस तरह से एक बच्चा बॉर्न होता है, सबसे लास्ट में उसकी वाचा खुलती है, वो बोलना सीखता है, चलना भी सीख लेगा लेकिन बोलना लास्ट में सीखता है। लेकिन जब व्यक्ति अंतिम समय आता है तो उसकी वाचा पहले बंद हो जाती है। तो ऐसे उस बुजुर्ग की भी वाचा बंद हो गई। तो जब वाचा बंद हो गई तो उसके तीनों बेटे आ गए, सामने खड़े थे, तो वो बुजुर्ग इशारा करने लगा, यू वॉन्टेड टू से समथिंग। तो जैसे ही इशारा करने लगा, अब तीनों लड़कों को लगा कि जरूर कोई धन होगा, ट्रेजर होगा जो उन्होंने छुपाया होगा, अब उनका लास्ट मोमेंट आया है तो वो बताना चाहता है, लेकिन वाचा चली गई तो बताना चाहता है कहाँ रखा है। तो जब ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे दिखा करके, बाहर दिखा करके, तो जरूर कहीं बाहर खेत में कहीं दबाया होगा, बरी किया होगा वो ट्रेजर, वो बताना चाहता है। तो बार बार बाहर ऐसे ऐसे दिखा रहा। अब जो है तीनों बेटे कहे कि भाई क्या बोलना चाहते हैं, बताओ बताओ, लेकिन वो बुजुर्ग बोल नहीं पा रहा था। तो ये तीनों जो है डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब आप आ जाओ, और अभी का अभी उसको कुछ भी करके वो कुछ बताना चाहता है, अभी इसको बुलवाना, बुलवाओ। तो डॉक्टर आए तो देखा कि वो इशारा कर रहा था, बार बार ऐसे इशारा कर रहा था, तो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहना चाहता है। कहा कुछ भी करो, इसका उसको बोल सके ऐसा करो। तो डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन है लेकिन मैं गारंटी नहीं कर सकता, अगर कभी कभी तो खुल जाती है वाचा, बोल सकता है इंसान, लेकिन बहुत महंगा इंजेक्शन है। तो कहा कितने का होगा? तो कहा कम से कम 50,000 का है वो इंजेक्शन। तो कहा कोई बात नहीं। तीनों बेटों ने कहा लगाओ इंजेक्शन, कम से कम बोले तो सही वो क्या कहना चाहता है, जरूर कोई धन छिपाया है जो वो हमें बताना चाहता है। डॉक्टर ने लगाया इंजेक्शन, और इंजेक्शन लगा करके उसकी वाचा सचमुच खुल गई। तो जैसे ही वाचा खुली तो बुजुर्ग ने कहा वो सारा अनाज मैंने बाहर रखा है, वो बकरियां खा रही है, वो अनाज हटाओ, और उसकी वाचा बंद होकर के वो मर गया। तो लड़कों ने कहा जाते जाते भी 50,000 का खर्चा करा के गया है ना।
तो जिंदगी भर जिसने जो किया है, अभी उसने अनाज और खेती बाड़ी किया है और बकरियों को पाला है, तो वो जब बकरियां अनाज खा रही थी, उसकी मेहनत का इतना जो उसने निकाला था, तो वो कैसे देख सकता था लास्ट मोमेंट। तो इसीलिए उसने वही बात कहना था। तो भगवान भी यह कहते, जिसने जीवन भर जो किया है वही उसको लास्ट में याद आता है। इसीलिए है अर्जुन, तुम हर कर्म करते समय मुझे याद करो। अर्थात हम सब अर्जुन को भगवान कहते हैं कि कर्म करते हुए मुझे याद करो। फिर भगवान पुनः अपना परिचय देते हैं अर्जुन को, स्पष्ट करते, क्योंकि अभी तक अर्जुन को स्पष्ट नहीं हुआ है कि ईश्वर कौन है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ, अर्थात मैं सब कुछ जानता, अनादि, इटर्नल, सभी का नियंता, सभी का क्रिएटर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। देखो भगवान अब यहां क्लियर अपना परिचय देता है, कृष्ण के रूप में नहीं दे रहा है, लेकिन यहां भगवान अपना परिचय देता है कि हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ, अनादि, सभी का नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सभी का आधार मूर्त, नित्य, दिव्य, प्रकाश स्वरूप, अशरीरी, मैं एवर डिवाइन लाइट रूप हूं। ये परमात्मा ने अपना परिचय स्पष्ट किया अर्जुन को, क्योंकि पहले जब सातवें अध्याय में कहा तुम भी मुझे पहचानते नहीं हो, और तभी उसको पूछा कौन पहचानते, तो कहा जो पवित्र बनते हैं, जो मोह को त्याग करते हैं, वो मुझे जानते हैं, है ना। तो अब भगवान ने अपना परिचय संपूर्ण दे दिया। अब पुनः भगवान अर्जुन को ध्यान की विधि, क्या अब जो ध्यान करना है तो किस में करना चाहिए। तो पहले परिचय दिया अपना, और परिचय देने के बाद अब ध्यान की पुनः वो विधि में स्पष्टीकरण करते हैं और कहते हैं, अर्जुन, जो ज्ञानी ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करके सर्व इंद्रियों को बाह्य भौतिक जगत से समेट लेता है, माना उसको कुछ समय के लिए जब ध्यान करते तो हमारी इंद्रियां बाहर नहीं जानी चाहिए, उसको समेट कर मन को योगयुक्त और हृदय के अंदर अनन्य भाव युक्त, अनन्य माना अन्य कोई नहीं, एक अन्य कोई नहीं, उसको कहा अनन्य भाव युक्त होकर, माना इतनी प्रेम की फीलिंग्स, भाव कौन सा होना चाहिए, कहते ना भगवान भावों का भूखा है, भगवान और कोई चीज नहीं देखता है, आपके भाव देखते हैं, क्या आप किस भाव से, क्या स्वार्थ भाव से याद कर रहे हैं या प्रेम भाव से याद कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा हृदय में अनन्य भाव युक्त एक के प्रति, और इतना स्नेह के भाव इमर्ज करके, भाव युक्त होकर ब्रुकुटी के मध्य में, क्योंकि आत्मा का ये निवास स्थान है, तो ब्रुकुटी के मध्य में बुद्धि को आत्म स्वरूप में स्थित कर सोल कॉन्शियस होकर के, फिर कहा ओमकार का उच्चारण कर उस कॉन्शियसनेस में स्टेबिलाइज हो जाना। ओम का मतलब है, ओम अक्षर तीन अक्षर से बना है, अ उ म, अ माना आचरण, इंग्लिश में भी इसलिए कहते ए यू एम ओम, ए फॉर एक्शंस, अ माना आचरण, उ माना उच्चारण, यू फॉर अटरेंस, और माना मन के विचार, एम फॉर माइंड। तो जीवन की ये तीन महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, सोचना, बोलना और कर्म करना। तो आचरण, उच्चारण और मन के विचार, ये तीनों को एकाग्र करना है मेडिटेशन में। ओमकार का उच्चारण करना, जब रियल आप भीतर से ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके मन, वचन, कर्म अलाइन होने लगते हैं, और जैसे ये तीनों अलाइन हो जाते हैं
तो ओमकार का उच्चारण करते परमात्मा की स्मृति में रहने का निरंतर अभ्यास करता है। परमात्मा ने अपना परिचय दे दिया और परिचय देने के बाद कहा मन वचन कर्म से उसको अलाइन करते हुए और कहीं ये भटकना नहीं चाहिए, लेकिन एक परमात्मा जो नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उस परमात्मा में निरंतर एकाग्र करने का या उस परमात्मा की स्मृति में रहने का निरंतर अभ्यास करना है। क्योंकि अर्जुन को कहा कि तुम जीवन भर यह अभ्यास करो मेरी स्मृति में रहने का, तो अंत समय तुझे याद आएगा। तो अब अपना परिचय एकदम क्लियर करके भगवान कहते हैं इस तरह से तुम मेरी स्मृति में रहकर निरंतर अभ्यास कर। वह अंत काल में जो ऐसा अभ्यास करता है तो उसका अनुभव क्या है वो भी स्पष्ट कर दिया कि वह अंत काल में सर्व दुखों से मुक्त होकर दिव्यता और परम सिद्धि को प्राप्त करता है। वो जैसे इतना शुद्ध हो जाता है, दिव्यता को प्राप्त करता है और परम सिद्धि माना सक्सेस, श्रेष्ठ सक्सेस को प्राप्त करता है। ये उसका अनुभव है कि ऐसी सोल कॉन्शियस स्टेज में रह करके परमात्मा को याद करने का नित्य अभ्यास करेगा तो अंत काल में उसको कोई प्रकार की दुख की भोगना नहीं होती है। ऐसे हम कई बार देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं और चलते चलते चले गए, किसी से एक ग्लास पानी भी नहीं मांगा, तो क्या कहते कितनी अच्छी मृत्यु थी, किसी से कोई सेवा नहीं लिया और ऐसे जैसे भगवान को याद करते करते चले। तो ये उसका अंत काल का अनुभव कि उसको कोई प्रकार का दुख का अनुभव नहीं होता है। अब भगवान आगे ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात किसको कहते हैं उसका स्पष्टीकरण देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चार युग है, इन चारों युगों का एक कल्प होता है। चार युग है और ये चारों युगों का एक कल्प होता है और सतयुग, त्रेता युग ये ब्रह्मा का दिन है। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ये ब्रह्मा की रात्रि है। अब ब्रह्मा के दिन के आरंभ में यानी सतयुग शुरू होने से पूर्व, सतयुग का आरंभ जब होता है तो ब्रह्मा के दिन के आरंभ में आत्माएं अव्यक्त यानी परम धाम के अंदर, शरीर तो है नहीं, खाली आत्मा है एक ज्योति पुंज के रूप में, तो अव्यक्त, व्यक्त स्वरूप नहीं है, अव्यक्त अवस्था से व्यक्त प्रकृति वो नीचे उतरती है इस ड्रामा में। और सतयुग दिन आरंभ होने से पहले वो अव्यक्त अवस्था से नीचे व्यक्त प्रकृति का आधार लेती है, ये फिजिकल बॉडी का आधार लेती है। और जब ब्रह्मा की रात्रि का अंत यानी कलयुग का अंत होता है तो सभी आत्माएं व्यक्त से फिर अव्यक्त अवस्था में चली जाती है, अर्थात वापस परम धाम की ओर अव्यक्त अवस्था में वापस चली जाती है। तो व्यक्त प्रकृति को छोड़ करके अव्यक्त स्वरूप में चली जाती है। कितना सिंपल शब्द के अंदर पूरा ड्रामा का ज्ञान दे दिया कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग ये चार युग है, चारों युग मिलकर के एक कल्प होता है, इसलिए इसको गीता में चतुर्युगी एक कल्प बताया है, चार युगों का एक कल्प माना जाता है। फिर कहा कि सतयुग और त्रेता युग ब्रह्मा का दिन है, द्वापर युग और कलयुग ये ब्रह्मा की रात्रि है, और जब ब्रह्मा का दिन आरंभ होता है यानी सतयुग का आरंभ होता है तो परम धाम से आत्माएं नीचे आती है अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में,
और यहां आकर के ये पांच तत्वों का बना हुआ प्रकृति का शरीर धारण करते हैं। और जब ब्रह्मा की रात्रि पूरी होती है तब वापस सभी आत्माएं ये व्यक्त देह को छोड़ करके अव्यक्त अवस्था में चली जाती है। यहां एक सूक्ष्म समझने की बात यह है कि जो साइकिल का ज्ञान भगवान ने दिया चारों युग का, अर्थात कि जब आत्मा ऊपर से नीचे उतरती है अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में, तो बीच में कोई भी ऊपर नहीं जा सकता है। एक बार ये ड्रामा के चक्र में एंट्री हुआ तो लास्ट में जब ब्रह्मा की रात्रि पूरी होगी तभी सभी जाएंगे, तब तक बीच में से कोई नहीं जा सकते। इसीलिए अगर कोई बीच में कहे कि भाई फलाना पार निर्वाण चला गया या ये चक्र से मुक्त हो गया, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कायदा नहीं है। ये भौतिक जगत का भी एक कायदा है कि एक बार जो आत्माएं आती है फिर वो पार्ट बजाते बजाते पुनर्जन्म लेते लेते लास्ट में ही वो ऊपर जाती है, लास्ट में सभी आत्माएं ऊपर जा। इसीलिए इस संसार में पॉपुलेशन बढ़ता गया, क्योंकि जो आई वो तो है ही है, जो पार्ट बजा बजा करके पुनर्जन्म ले रही है वो तो यही है, वो बीच में से जा नहीं सकती, और ऊपर से भी जो आती जा रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कई लोग सोचते हैं दूसरी योनियों से आत्माएं यहां आ गई मनुष्य योनि में। सोचने की बात ये, अगर दूसरी योनि में से आ जाए और उसी के कारण अगर मनुष्य जो है इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एक तो वो योनि में कम होना चाहिए। चलो आप कहेंगे कई योनियां एक्सटिंक्ट हो रही है, लेकिन सोचने की बात है कि कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जब बुरा कर्म करता है तो बुरे कर्म का फल भोगने के लिए वो दूसरी योनियों में जाता है, राइट? तो अगर उसने बुरा कर्म किया तभी वो दूसरी योनि में जाना चाहिए, तो भी मनुष्य पॉपुलेशन कम होना चाहिए। अगर दूसरी योनि वाले मनुष्य बन रहे हैं और मनुष्य जो है वो भी, तो फिर कर्म का फल कहाँ आया? कर्म सिद्धांत वो मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि आज की दुनिया में जितना मनुष्य पाप कर्म कर रहा है ना, उतना पुण्य कर्म नहीं कर रहा है, और उस पाप कर्म के कारण तो सारे लोग जानवर योनि में चले जाने चाहिए। तो जानवर योनि का पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए और मनुष्य का पॉपुलेशन कम होना चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, मनुष्य बढ़ रहे। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई जानवर योनि में भी नहीं जा रहा है और अपने कर्मों का फल मनुष्य योनि में रह करके ही भोग रहा है। चलो अगर जानवर योनि में चला जाता था तो मनुष्य योनि तो परफेक्ट होनी चाहिए, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल तो देखते हैं कई जन्मते ही लूले लंगड़े अंधे बहरे हो जाते हैं। तो जन्मते उसने कौन से कर्म किए? अगर पास्ट के कर्म कहे तो वो तो भोग के आया, अगर भोग करके आया जानवर से मनुष्य बना, फिर तो हर रीति से परफेक्ट होना चाहिए, तो जन्मते कौन से कर्म किए? इसलिए ये बताता है कर्म सिद्धांत कि वो उसी योनि में रह करके कर्म का फल भोगता है, उसको दूसरी योनि में जाने की जरूरत नहीं। तभी आज मनुष्य संसार में देखो दुख कितना बढ़ गया है, छोटे छोटे बच्चों को कितना दुख हो रहा है, ये कर्मों का फल भोग रहा है ना? तो इसीलिए उसको दूसरी योनि में जाने की जरूरत नहीं और दूसरी योनि वाले को मनुष्य योनि में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि संस्कार भिन्न भिन्न है। जानवरों के संस्कार मनुष्य के संस्कार अलग है, क्योंकि कर्म अलग है, बुद्धि अलग है, सब कुछ अलग है, उसकी पूरी क्रिएशन अलग है। उसकी बुद्धि बहुत छोटी होती है, मनुष्य बुद्धि बहुत विशाल होती है, सोचने की कैपेसिटी बहुत अधिक है, तो इसीलिए वो मैच नहीं होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं आत्मा ऊपर से नीचे उतरी, इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने लगी, लास्ट में ही वो ऊपर सब आत्माएं व्यक्त से अव्यक्त में जाएंगे। कहां जाएंगे?
तो परम धाम का परिचय भगवान देते हैं और कहते हैं कि ये पांच तत्व की दुनिया से अलग, इसके अतिरिक्त, इससे अलग एक अव्यक्त शाश्वत प्रकृति है। शाश्वत माने इटर्नल प्रकृति है, नेचर है एक प्रकार के, ये भी तत्व है, जो सभी पंच महाभूतों के नाश होने पर कलयुग के अंत में जब ये ब्रह्मा की रात्रि पूरी होती है तो यहाँ महाविनाश होता है, तो पांच महाभूतों के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता है, वो दिव्य लोक का नाश नहीं होता है, और व्यक्त अव्यक्त अवस्था से श्रेष्ठ, इतनी श्रेष्ठ वहां दुनिया है, अविनाशी, व्यक्त अव्यक्त अवस्था से श्रेष्ठ, अविनाशी और सबसे परे है, वही मेरा परम धाम है। अब यहां भगवान ने बहुत क्लियर किया कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, वो मेरा धाम परम धाम है जहां मैं विराजमान हूं, जहां मैं रहता हूं, मैं इस दुनिया में नहीं रहता, इसीलिए इतना पाप यहां बढ़ गया, अगर यहां होता था तो इतना पाप थोड़ी बढ़ता था, तो इसीलिए कहा वो धाम मेरा धाम परम धाम है जहां मैं विराजमान हूं। तो परम धाम जो व्यक्त से मना अव्यक्त से इस व्यक्त की दुनिया में आकर के फिर लास्ट में जब वापस जाना है उस धाम में, तब भगवान कहते हैं मैं भी वहां रहता हूं, और ये पंच महातत्वों की दुनिया नाश होने पर सभी आत्माएं उस मुक्ति की दुनिया में मुक्त हो जाती है। जैसे व्यक्ति सारा दिन काम करने के बाद रात को सोना जरूरी है, इट्स अ ब्रेक, ब्रेक जरूरी है, 24 घंटा अगर लगातार काम करता रहे मशीन की तरह तो क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। ठीक इसी तरह ये चार युगों का कल्प जब पूरा होता है उसके बाद सब आत्माएं भी ऊपर जाके रेस्ट करती है, थक गई, कितने पुनर्जन्म लिए तो वो सारे पुनर्जन्म लेकर के थक गई, तो थक जाएगी तो कहाँ जाएगी, घर में तो जाएंगी कि नहीं जाएंगी, तो इसीलिए वो घर है जहां से, घर से हम आते हैं इस संसार में, पाठ बजाते हैं अपना यहाँ, और पाठ बजाने के बाद जब एक ड्रामा का चक्र पूरा होता है तब जाकर के ऊपर हम रेस्ट करते हैं। कितना सुंदर सरल भाषा में भगवान ने सारा ड्रामा का ज्ञान से, फिर लास्ट में भगवान इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि यह संसार से जाने के दो मार्ग हैं। अब आपको ये चॉइस करना है कि कौन से मार्ग से हमें जाना है। तो इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि संसार से प्रयाण करने के, मना जाने के दो मार्ग है, एक प्रकाश का मार्ग है, दूसरा अंधकार का मार्ग है। अब प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग कौन सा होता है, तो उसको क्लेरिफाई करते हैं भगवान और कहते हैं कि जो मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है वह ज्ञान युक्त कर्म मार्ग, ज्ञान का जीवन में धारण करते अपने कर्म में ले आते हैं, वह ज्ञान युक्त कर्म मार्ग, अर्थात जिसमें यज्ञ सेवा की अग्नि जलती, जो यज्ञ सेवा करते हो निरंतर, बुद्धि की प्रभा मना कांस्टेंट हमारे अंदर ये प्यूरिफिकेशन, जितना सेवा करता है इंसान यज्ञ सेवा करता है, यज्ञ सेवा माना वो हवन कुंड की बात नहीं है, लेकिन जीवन के अंदर आत्म शुद्धिकरण की के लिए जो सेवा करता है तो उसकी अग्नि जलती हो। फिर कहा बुद्धि की प्रभा, जब व्यक्ति ज्ञान को धारण करता है तो उसकी बुद्धि शार्पन हो जाती है, तो विजडम भर जाती है, तो बुद्धि की प्रभा माना बुद्धि का जो ऑरा है वो सूर्य के समान चमकता है, इतनी उसकी ब्राइट बुद्धि हो जाती है, विजडम से भर जाती है। फिर कहा हृदय आकाश, हृदय आकाश माना अपने दिल के अंदर, हृदय के अंदर आसक्ति के बादल न हो, नेचर के साथ उसको कंपेयर किया है, पोएटिक लैंग्वेज में उसको डाला हुआ है कि बुद्धि की प्रभा सूर्य के समान हो,
हृदय आकाश में आसक्ति के बादल न हो, इच्छाएं आसक्ति नहीं है, और भावनाओं का पूर्ण उजाला हो, भावनाएं बहुत शुद्ध हो, पवित्र हो, कोई इच्छाओं के बादल न हो दिल के अंदर। ऐसे दिन के शुभ क्षण में, ऐसे दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या सूर्य उत्तरायण में रहता है, तब प्राण तन से निकले, तब वो आत्मा श्रेष्ठ गति को प्राप्त होती है। सूर्य उत्तरायण का मतलब है कि जब आत्मा उन्नति की ओर होती है, उत्तरायण की ओर माना जब हमारा सेल्फ प्रोग्रेस जिसमें हो, और ऐसे समय पर अगर प्राण तन से निकले तो वह आत्मा श्रेष्ठ गति को प्राप्त होती है। इस बात को मैं एक सिंपल एग्जांपल देते हुए क्लेरिफाई करना चाहती हूं कि मान लो कि एक कपल है, उनके दो बच्चे हैं और दो बच्चे में एक बहुत आज्ञाकारी ओबीडियंट है और दूसरा बच्चा बहुत तूफानी है। दो बच्चे हैं। अब माता पिता दोनों बच्चों को कहते हैं, बेटा तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। अब जो आज्ञाकारी ओबीडियंट चाइल्ड है वो तो उठ करके नहा धो करके तैयार हो जाता है, लेकिन जो तूफानी है उसको याद आता है मैंने होमवर्क किया ही नहीं है। अब जब होमवर्क नहीं किया है तो स्कूल जाऊंगा तो मार पड़ेगी, तो वो क्या कहते हैं, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। बहुत कोशिश करता है, फिर भी आप कहते हैं नो, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, यू हैव टू गो। आप करेंगे तो क्या कहेगा, मुझे पेट में दुख रहा है ना। बच्चों को जब स्कूल नहीं जाना होता है तो क्या कहते हैं, पेट में दर्द कर रहा है या सिर में दर्द करता है, वो अंदर थोड़ी देखने जाने वाले, तो ये कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। अब मम्मी को पता है कि उसका कोई सिर दर्द नहीं, पेट में दर्द नहीं, लेकिन वो स्कूल जाना नहीं चाहता, इसलिए ये सब नाटक कर रहा है। तो मम क्या कहती है, ओके मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, तेरे को एक इंजेक्शन लगा देगा, ठीक हो जाएगा। अब इंजेक्शन का नाम आया तो क्या कोई कहता है, नहीं मेरे को नहीं, पेट में नहीं दुखता है ना, मेरे को सर में दर्द है, लेकिन मुझे स्कूल नहीं जाना है। अब आप जानते हैं कि एक दिन अगर उसको नहीं जाने दिया कि ओके नहीं जाओ, तो दूसरी बार फिर ऐसा करेगा, है ना। तो माँ बाप क्या करते, नहीं स्कूल तो जाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए स्कूल तो जाना पड़ेगा। फिर भी अगर वो नहीं उठता है, नहीं रेडी होता है, तो क्या करते हैं लास्ट में, उसको थोड़ी लालच देंगे, अच्छा चलो आज स्कूल जाएगा ना तो तुमको हम चॉकलेट देंगे, जो उसकी फेवरेट चीज है, जो खाने की चीज है, वो उसको लालच के रूप में आज तेरे को आइसक्रीम देंगे, आज तेरी फेवरेट चीज बनाकर देंगे, आज तेरे को ये देंगे। फिर भी नहीं, मुझे ना आइसक्रीम चाहिए, ना चॉकलेट चाहिए, ना कुछ चाहिए, लेकिन मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो क्या करेंगे आप लास्ट में, उसको दो थप्पड़ मार करके क्या करेंगे, बाथरूम में ले जाकर के उसको स्नान करा करके उसको रेडी करें। अब दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक हंसता हुआ जा रहा है, जिसने ओबीडियंस, जो ओबीडियंट रहा, होमवर्क किया हुआ है सब कुछ, वो हंसता हुआ जा रहा है, और दूसरा बच्चा रोता हुआ जा रहा है, मार खाई उसने, स्कूल तो जाना ही पड़ा। अब उसको पता है कि वहां जाने के बाद भी होमवर्क नहीं किया तो मार तो पड़ेगी, है ना। तो दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक हंसता हुआ जा रहा है, एक रोता हुआ जा रहा है। ऐसे ही भगवान के भी दो प्रकार के बच्चे हैं, एक है ओबीडियंट, जो अपने आत्म शुद्धिकरण कर लेता है, अच्छे कर्म करता है, हृदय के अंदर किसी के प्रति कोई इच्छाएं नहीं, आसक्ति के बादल नहीं है, बुद्धि बहुत अच्छी उसकी खिली हुई है सूर्य के समान, है ना, एक वो प्रकाश का मार्ग। और दूसरे प्रकार के बच्चे जो तूफानी है, जो विकारों के वशीभूत है, जो बुरे कर्म कर रहे हैं, अब जाने का समय आएगा तो क्या होगा, उसको भी जाना तो है ही है, तो वो पहले तो कुछ ना कुछ, मेरे को नहीं जाना है, मेरे लिए तो यही स्वर्ग है, मुझे कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं सब कुछ यही करूंगा। अब
टाइम आ गया है, ये दुनिया रहने वाली नहीं है, जाना पड़ेगा। अब जब जाना पड़ेगा फिर भी अगर नहीं मानता है तो मार खा के जाना है, जाना तो है। अब मार खा के जाता है क्योंकि उसको पता है कि मैंने अच्छे कर्म रूपी होमवर्क नहीं किया है, अच्छे कर्म नहीं किया है। अब पता नहीं भगवान मुझे कहां भेजेंगे, कौन से नर्क की दुनिया में भेजेंगे, कितना मुझे सफर करना पड़ेगा। तो ये जैसे ही उसको याद आता है तो रोता है। ये है अंधकार का मार्ग। तो वो प्रकाश के मार्ग से जाता है जो ओबीडियंट है, और दूसरे हैं जो अंधकार के मार्ग से जाते हैं, जिसने श्रेष्ठ कर्म रूपी होमवर्क नहीं किया है, जिसने अच्छी भावनाएं किसी के लिए नहीं रखा है, हमेशा ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना लेकर के जो जिया है, तो उसको क्या होगा? मार तो पड़ेगी, तो धर्मराज की मार पड़ेगी, और धर्मराज की मार खा के भी जाना तो है। तो मार खा के जाता है तो रोता है। तो ना स्कूल में जाने के बाद कोई प्राप्ति करता है, मूड ऑफ है उसका, तो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी अंदर नहीं जा रहा है। अपना सारा दिन कैसा जाता है उस बच्चे का, कितना वेस्ट जैसे जाता है। ठीक इसी तरह भगवान हमें कहते हैं, आपको कौन से मार्ग से जाना है? प्रकाश के मार्ग से जाना है या अंधकार के मार्ग से जाना है? अगर प्रकाश के मार्ग से जाना है तो ये होमवर्क, अच्छा कर्म करो, आत्म शुद्धिकरण करो, ये होमवर्क करना बहुत जरूरी है, तब प्रकाश के मार्ग से जा सकेंगे, है ना? जिस तरह से एक दूसरा अगर मैं एग्जांपल दे दूं साथ में, कि मान लो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के नीचे एक प्लेग्राउंड है, और मान लो कि आप उस बिल्डिंग में रह रहे हैं, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं। अब वो वैकेशन का टाइम चल रहा है, अब सारे बिल्डिंग के बच्चे उस प्लेग्राउंड में नीचे खेलते हैं। आपका बच्चा भी कहता है मुझे जाना है नीचे खेलने के लिए। आप उस बच्चे को मना करो कि नहीं, नीचे नहीं जाना है, ऊपर बैठ कंप्यूटर गेम्स खेलो, उसको अच्छा लगेगा? नहीं, उस समय उसको कंप्यूटर गेम्स अच्छे नहीं लगते, नीचे एक लाइवली गेम चल रही है, वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो आप उसको कहो कि भाई मुझे तेरे से बहुत प्यार है, एंड आई डोंट वांट यू टू गो डाउन, तुम ऊपर बैठ के खेलो, कंप्यूटर गेम्स खेलो, जो खेलना है खेलो, मेरे साथ बैठो। मान जाएगा? मानेगा? नहीं मानेगा, उसको जाना है, वो जिद करता है। आप उस बच्चे को समझाओ कि नीचे जो गेम चल रही है ना, बड़ी रफ गेम है, मान लो कि तुझे कोई धक्का देंगे, गिरा देंगे, फिर क्या करेगा? तो क्या कहते? कोई बात नहीं, धक्का लगेगा कोई बात नहीं, गिर गया, चोट लगी कोई बात नहीं, मुझे जाने दो। उसको समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानता है तो आप उसको छुट्टी देते, ओके गो, गया। अब नीचे शुरू में तो बहुत अच्छा खेल चला, धीरे धीरे चीटिंग बढ़ती गई उस खेल में, और जैसे जैसे चीटिंग बढ़ती गई, किसी ने जोर से उसको धक्का दे दिया, गिर गया, चोट लगी, रोने लगा, किसी ने आकर के आपको बताया कि आपका बच्चा गिर गया है, उसको चोट लगी है, क्या करेंगे आप? दौड़ के नीचे जाएंगे? और नीचे जाने के बाद आप अपने बच्चे को उठाएंगे, कहेंगे चलो अभी घर चलो। अब वो घर आ नहीं रहा है क्योंकि वहां तो खेल तो चालू है, इसलिए आप सारे बच्चों को कहेंगे ओके कल से, कल खेलना, अभी आज बहुत खेल लिया, सारा दिन बहुत खेला आप लोग ने, सब घर जाओ अभी, सब अपने, क्योंकि मालूम है जब सब जाएंगे तो खुद का बच्चा भी ऊपर आएगा। सारे बच्चों को आप भेज देंगे घर में और कहेंगे कल खेलना, और अपने बच्चे को भी ले आएंगे। अपने बच्चे को जैसे घर ले आएंगे, साफ स्वच्छ करके, मलम पट्टी लगा करके, और फिर उसको खाना पीना दे करके सो गया। दूसरे दिन जब वो खेल शुरू होगा,
वो जाएगा या नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। ठीक इसी तरह हम भी परम धाम में थे परमात्मा के साथ में, और जैसे ये नीचे का खेल शुरू हुआ तो हमने भी कहा हमें जाना है नीचे, हमें जाना है, हमारे सारे फ्रेंड्स नीचे हैं, हम भी जाना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा नहीं, ऊपर बैठे रहो, ऊपर इतना मेरे बाजू में बैठने का सुख मिल रहा है तुझे, आनंद मिल रहा है, उस समय अच्छा लगेगा वो सुख आनंद कि नीचे मेरे सारे फ्रेंड्स नीचे जा रहे हैं, मैं भी नीचे जाना है। हम भी नीचे आए, हमको समझाया गया था नीचे का जो खेल है ना, शुरू में तो बहुत अच्छा है सतयुग त्रेता युग तक, तो बाद में चीटिंग बढ़ेगी, और चीटिंग होगी तो बहुत तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगी। हमने क्या कहा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अब नीचे आ गए, सतयुग त्रेता तो बहुत अच्छा गया, फिर धीरे धीरे द्वापर से चीटिंग बढ़ने लगी, कलयुग में बहुत चीटिंग बढ़ गई, और बहुत चीटिंग बढ़ने के बाद किसी ने धक्का दिया, धोखा दिया, चोटें दी, दिल की चोटें दी, जब बहुत सह लिया तब हमने भी रोना चालू किया, हे प्रभु अब मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, अब मुक्ति मिल जाए तो अच्छा है ना। तो भगवान भी क्या करता है, आता है, यदा यदा ही धर्मस्य, आता है और क्या कहता है, चलो अभी सब चलो, और साफ शुद्ध करके मलम पट्टी लगा करके चलो, अब घर चलो, सभी को घर ले जाएंगे। और इसीलिए कहा दो मार्ग से जाना है, एक प्रकाश के मार्ग से, एक अंधकार के मार्ग से, चॉइस हमारी है, भगवान हमें चॉइस देता है, तुम्हें कौन से मार्ग से जाना है ये तुम डिसाइड करो। अब जो अंधकार का मार्ग चुनेगा तो उसको तो सजा खानी पड़ेगी, तकलीफ होगी, अनेक प्रकार की मारे भी खानी पड़ेगी, है ना, धर्मराज की सजा भी खानी पड़ेगी, उसके बिना तो ऊपर जा नहीं सकता है। और फिर भगवान ने ये दो रास्ते के चॉइस हम लोगों के ऊपर छोड़ा है कि आप लोग जिस मार्ग से जाना चाहते हो उस मार्ग को अपनाओ। फिर भगवान नौवे अध्याय में राज विद्या गुह्य योग, राज विद्या गुह्य योग, आत्मा परमात्मा के परम गोपनीय रहस्य, बहुत सीक्रेट बात यहां समझाते हैं, परम गोपनीय रहस्य का उद्घाटन इस अध्याय के अंतर्गत किया गया है। पहले श्लोक से लेकर छठे श्लोक तक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, सातवें श्लोक से लेकर दसवें श्लोक तक कल्प के प्रारंभ और अंत का विषय, ग्यारहवें श्लोक से लेकर पंद्रहवें श्लोक तक आसुरी प्रकृति के लोग और दैवी प्रकृति के लोग, सोलहवें श्लोक से लेकर बीसवें श्लोक तक भगवान की तुलना सर्व में सर्वोच्च स्वरूप, और 21वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक सकाम और निष्काम उपासना का फल, और 26वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक निष्काम भगवत भक्ति की महिमा और मन मना भव होने की प्रेरणा दी है भगवान। अब आरंभ में भगवान कहते हैं अर्जुन को, जैसे कहा, प्रभाव सहित ज्ञान का विषय, ज्ञान की महत्ता बताते हैं, और सीक्रेट से सीक्रेट ज्ञान भगवान हमें देते हैं, और कहा हे अर्जुन ये परम गोपनीय ज्ञान, इतना सीक्रेट ज्ञान तुमको मैं दे रहा हूं, ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा। आई विल एक्सप्लेन दिस होल सीक्रेट नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, माना अंधश्रद्धा नहीं है, लेकिन जैसे हर बात का एक लॉजिक भगवान ने दिया है और एक साइंटिफिक आधार बताया है, तो कहा है इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, हाईएस्ट नॉलेज है, गोपनीय रहस्य से भी अधिक गोपनीय है, इट इज द सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, ये परम पवित्र ज्ञान है, और चूंकि यह स्व की अनुभूति का प्रत्यक्ष बोध कराता है, सेल्फ रियलाइजेशन देता है,
इसीलिए यह धर्म का भी आदर्श है, एकदम आइडियल है। जो धर्म की बातें हैं उसमें जो आइडियल धर्म जिसको कहा जाए उस वो है, यह स्थाई और प्रसन्नता पूर्वक धारण किए जाने वाला है। और इसीलिए उसको धारण जब करो, प्रकाश के मार्ग से अगर जाना है तो ज्ञान को जीवन में धारण करो एंड एक्सपीरियंस दैट प्लेजेंटनेस, प्रसन्नता का अनुभव करो। ऐसे उसकी धारणा जरूरी है। तो कहने का भावार्थ, इस ज्ञान का महत्व भगवान अर्जुन को स्पष्ट किया कि ये कैसे सभी योगों का राजा भी है, गोपनीय है, परम पवित्र है, सेल्फ रियलाइजेशन का है और हर धर्म का आइडियल है। फिर उसके बाद भगवान बहुत गुह्य बात, बहुत डीप सीक्रेट बताते हैं कि कैसे भगवान कार्य करते हैं। और उसमें क्या कहा, हे अर्जुन मैं अव्यक्त स्वरूप हूं। अब यहां पुनः कहते हैं कैसे भगवान कार्य करते हैं, तो कहा मैं अव्यक्त, मैं व्यक्त नहीं हूं, अव्यक्त स्वरूप, और मेरी कार्य प्रणाली अलौकिक है, मैं मनुष्य की तरह काम नहीं करता, मेरी कार्य करने की विधि है अलौकिक, डिवाइन। जितने भी पदार्थ रचे गए हैं इस संसार में, जो कुछ भी आप क्रिएशन देखते हैं, वो मेरे भीतर नहीं है, माना आई एम नॉट ओमनी प्रेजेंट, मैं सभी चैतन्य प्राणियों का पालनहार जरूर हूं, आई एम द सस्टेनर, मैं उनका सस्टेनेंस जरूर करता, लेकिन ये कर्म मुझे बांधता नहीं है। भगवान सस्टेनेंस जरूर करते लेकिन ये बॉन्डेज क्रिएट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते मेरी उसमें आसक्ति नहीं, मेरा अटैचमेंट नहीं है, और मैं तटस्थ निरपेक्ष हूं, आई एम डिटैच्ड और निरपेक्ष, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, मैं इस विराट प्रस्तुतिकरण का हिस्सा नहीं हूं। बहुत स्पष्ट भगवान ने कह दिया कि मैं ये सारा जो संसार है उसका जो विस्तार है उसका हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं स्वयं ही सारी सृष्टि की रचना का स्रोत हूं, आई एम द क्रिएटर, ये जरूर हूं। मैं अपनी अधिष्ठाता के सकाश से चराचर जगत को रचता हूं, मेरी जो शक्ति है उस शक्ति से मैंने इस नई दुनिया को रचा है, सारे जगत को रचा है। यह संसार चक्र इस तरह से घूमता रहता है, इस तरह यह संसार का चक्र सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जैसे घूमते रहते हैं, इसमें स्टॉप नहीं है कि चलो अभी कलयुग पूरा हुआ, अभी स्टॉप, अब दूसरा चक्र घूमेगा, नहीं। तो ये साइकिल जो है कंटिन्यू चलता है, कलयुग माना वन आफ्टर द अदर कंटिन्यूएशन में है, ये कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं लगता है, इट इज अ कॉन्स्टेंट चेंजिंग प्रोसेस, माना कंटिन्यूस वो परिवर्तनशील है और चलता रहता है। उसके बाद भगवान अपने अलौकिक कार्य प्रणाली को समझाने के बाद फिर अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन कल्प के अंत में, यानी कलयुग का अंतिम समय होता है, तो कल्प के अंत में सब मेरी प्रकृति अर्थात मेरे समान स्वभाव को प्राप्त होते हैं। जैसे ही प्यूरिफिकेशन होता है तो सब आत्माएं परमधाम जाने से पूर्व हरेक का प्यूरिफिकेशन होता है, और भगवान के जैसे प्योर, एकदम प्योर, जैसे परमात्मा एवर प्योर है, ऐसे आत्माएं भी ऐसे स्वभाव, परमात्मा के समान स्वभाव को प्राप्त करती है। और फिर कल्प के आदि में अर्थात सत्युग में मैं उनको बारंबार विसृजामी का मतलब है विशेष रूप से सृजन करता। अब सोचने की बात है कि आत्मा इटर्नल है तो कैसे सृजन करता है, कैसे रचता है, अर्थात उसके अंदर दैवी संस्कारों को जागृत करता,
तो परमात्मा कहते जब सभी आत्माएं कल्प के अंत में, कलयुग के अंत में सब प्यूरिफाइड हो जाती है, मेरे समान स्वरूप को प्राप्त कर लेती, मेरे समान स्वभाव को प्राप्त कर लेती, उसके बाद सब आत्माएं परम धाम आती है। फिर जब कल्प का आदि आरंभ होता है यानी सत्ययुग शुरू होता है, तब तो ऊपर से नीचे आती है और भगवान कहते उसको मैं विशेष रूप से रचता हूँ। विशेष रूप से वो तो इटर्नल है आत्मा, तो फिर कैसे रचता है? तो उसके अंदर दैवी संस्कारों को जागृत करता, जो सत्योगी दुनिया के लिए संस्कार चाहिए, उस संस्कार को, आत्मा में है संस्कार, तो उस संस्कार को जागृत करके फिर उसको नीचे संसार में भेजता। ये भगवान की कार्य प्रणाली है ना। कितना सुंदर तरीके से अपना कार्य करने का तरीका बताते। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जब उनको तैयार करके दैवी संस्कृति में, दैवी संस्कारों को जागृत करके नीचे भेजता हूं, फिर कहा कल्प के लिए प्रेरित करता, नेक्स्ट साइकिल के लिए उसको इंस्पायर करता। तो कल्प के लिए प्रेरित करता हूं, कल्प का भाव, यहाँ कल्प का भाव क्या है? उत्थान उन्मुख परिवर्तन। उत्थान माना जहां एलिवेटेड स्टेज में जो परिवर्तन है उसके लिए उनको प्रेरित करता हूं। अर्थात जैसे जैसे आत्मा दैवी संस्कारों में प्रवेश पाती है, यहीं से कल्प का आरंभ होता है, अर्थात सत्ययुग की दुनिया की शुरुआत होती है। तो जैसे जैसे आत्मा में दैवी संस्कार जागृत होते हैं, वैसे वैसे कल्प का आरंभ होता है। और जब ईश्वर के समान भाव को प्राप्त हो जाता है, यानी लास्ट में कलयुग के अंदर, इसीलिए कहा जाता है कलयुग हर बात में बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, लेकिन कलयुग को एक वरदान है। कलयुग को वरदान कौन सा है? तो भगवान कलयुग के अंत में ही आते हैं, और जो भगवान को पहचान लेता है वो उसकी जैसी प्रकृति को प्राप्त करता है। ये वरदान कलयुग को ही है, सत्ययुग त्रेता द्वापर को ये वरदान नहीं है। तो इसीलिए कहा कलयुग हर बात में बुरा है, लेकिन एक बात का वरदान है कि वहां पर आत्माएं जब पाठ बजाते 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 नीचे कलयुग में, तो वो पुनः ईश्वर को पहचान कर उसकी शरण ग्रहण करके उसके जैसे भाव को प्राप्त कर लेते हैं, उसके जैसे नेचर को प्राप्त करते हैं, तो उसका आशीर्वाद भी मिलता है। और उस समय कल्प का अंत है जिसमें शरीरों का परिवर्तन, कल्प किसके लिए कहा कि परिवर्तन का संकेत है, तो जिसमें क्या क्या परिवर्तन होता है कलयुग के अंत के बाद? शरीरों का परिवर्तन होता है, काल का परिवर्तन, समय का परिवर्तन होता है, युग का परिवर्तन होता है, ये सब बातों का परिवर्तन होता है, और तब जाकर के हम परम धाम में जाते हैं। फिर उसके बाद, इसलिए जैसे जैसे आगे अध्याय में बढ़ते जाते हैं तो ज्ञान गुह्य से गुह्य होता जाता है। इनिशियल स्टेज में तो इजी बातें सुनाई, लेकिन अब भगवान कहते हैं जब मैं मनुष्य में अवतरित होता, अब यहाँ और एक बात बहुत अच्छी स्पष्ट की है, गुह्य गोपनीय ज्ञान के रूप में, सीक्रेट के रूप में भगवान बताते हैं कि कलयुग में जब मैं मनुष्य में अवतरित होता, क्योंकि यहाँ कोई देवता तो है नहीं जिस देवता के तन में भगवान आए, इसलिए भगवान कहते जब मैं मनुष्य में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। मूर्ख लोग क्या करते हैं? वो भगवान के प्रति एक सरकास्टिकली उसको उपहास करते हैं, है ना, मूर्ख मेरा मजाक उड़ाते हैं, जैसे कहते हैं ना मजाक उड़ाते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो मोहग्रस्त आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, क्योंकि उनका नेचर ही इविल है, इसलिए एवल नेचर वाले जो होंगे वो तो उपहास ही करेंगे, मजाक उड़ाएंगे भगवान का, है ना। तब अर्जुन का सवाल है
पुनः कितनी बार उसने ये बात पूछी कि तो कौन जानते हैं आपको। तो यहां जब ये बात आई तो अर्जुन महसूस कर रहा है कि शायद मैंने भी अभी नहीं पहचाना है, तो कहा तो कौन जानते हैं। तो भगवान कहते जो मोह मुक्त दैवी संस्कार से जीने वाले, जो दैवी संस्कार अच्छे गुणों के आधार पर जीवन जीते हैं, मुझे अनादि अविनाशी स्वरूप में जानकर अनन्य भाव से याद करते हैं, बहुत प्रेम से याद करते हैं, वे दृढ़ता पूर्वक नित्य योगयुक्त रहने का पुरुषार्थ करते हैं। वो दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ नित्य योगयुक्त रहने का पुरुषार्थ करते हैं, है ना, हमेशा परमात्मा की याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर उसके बाद भगवान आगे कहते हैं कि ज्ञान का जो अध्ययन करते हैं, जो रेगुलर इस स्पिरिचुअल नॉलेज का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, सोम रस पान करते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं और यज्ञ सेवा करते हैं, अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं। इस दुनिया से जाएंगे, परम धाम जाकर के थोड़ा समय रेस्ट करेंगे, फिर रेस्ट करके नीचे जो दुनिया चेंज होती है तो पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं और वहां वे देव पद का आनंद भोगते हैं, एक दिव्य जन्म का आनंद भोगते हैं। कितना सुंदर तरीके से एक एक बात सारा साइकिल को क्लियर कर रहे हैं। परंतु भगवान ने और आगे बताया कि देव पद का आनंद भोगते हैं, परंतु जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, जो उनके अच्छे कर्म है वो पुण्य क्षीण हो जाता है, तो वे पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। द्वापर के बाद फिर धीरे धीरे तो स्वर्ग को कहा जाता सत्युग त्रेता स्वर्ग है अमर लोक, द्वापर कलयुग को कहा गया मृत्यु लोक, क्योंकि अकाले मृत्यु होती है, स्वर्ग में कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, वहां पूरी आयुष्य भोग करके स्व इच्छा से शरीर छोड़ करके जाते हैं। सत्युग त्रेता युग के अंदर मृत्यु भी एक महोत्सव होता है, जिस तरह यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, वैसे वहां पर जब कहते हैं कि हाँ मैंने बहुत साल जीवन जी लिया, अब मैं नया चोला धारण करने चाहता हूं, तो अपने सारे फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा करेंगे, बुलाएंगे, एक सेलिब्रेशन करेंगे और सेलिब्रेशन करने के बाद जो है वो विदाई लेते हैं और सब खुशी खुशी से उनको विदाई देते हैं नए जन्म में जाने के लिए, है ना। तो भगवान कहते हैं कि वह मृत्यु एक महोत्सव है, लेकिन द्वापर कलयुग को मृत्यु लोक इसलिए कहा कि अकाले मृत्यु, 5 साल का बच्चा मर जाता है, 25 साल का बच्चा मर जाता है, कितना दुख दर्द माँ बाप को होता है, अचानक चला जाता है, कोई तैयारी नहीं होती है उसकी जाने की, तो इसीलिए कहा वो मृत्यु लोक में आ जाते हैं और इस प्रकार जन्म और मृत्यु के चक्र में, जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते रहते, तो बीच में से ऊपर जाने का कोई भी मार्जिन नहीं है। एक बार जो कर्म आया इस साइकिल के अंदर, तो नेचुरली उसका कर्म का वेब क्रिएट होता है, लोगों के साथ कर्म का बॉन्डेज का एक वेब क्रिएट होता है, तो वो वेब जब तक है तो उसको हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है, भोगना पड़ता है और उसके बाद फिर आगे बढ़ता है। फिर भगवान आगे कहते हैं कि जब इस मृत्यु के चक्र में आते हैं तो फिर जो आत्माएं अंतिम समय में जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और निरंतर मुझे याद करते हैं, हमेशा मुझे याद करते रहते, उनकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता, वो मेडिटेशन करते हैं, प्रेम से मुझे याद करते हैं, तो उनकी जो आवश्यकता है, नेसेसिटीज है, उसको भगवान पूरा करता है, है ना, मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं, क्योंकि वो प्योर इंटेंशंस है और प्योर इंटेंशन से उसको फुलफिल किया गया है,
इसलिए भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की कोई चीज गुम भी नहीं होती है, अगर गुम हुई भी तो उनको वापस मिल जाती है, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा भी करते हैं। और फिर इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, मैं उनकी ऑफरिंग्स को भी स्वीकार करता। फिर कहते हैं, परंतु जो मेरे वास्तविक स्वरूप को ज्ञान के आधार से नहीं जानते, जो भगवान को नहीं समझते, अभी यहां बहुत स्पष्ट ये बात कही है कि मेरे स्वरूप को ज्ञान के आधार से जानना है। ये चरम चक्षु से देखने की बात नहीं है, लेकिन उसको थर्ड आई से, ज्ञान के चक्षु से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो परंतु जो मेरे वास्तविक स्वरूप को ज्ञान के आधार से नहीं जानते और अज्ञानता पूर्वक मुझे देवताओं के रूप में याद करते हैं और श्रद्धा पूर्वक उनको पूजते हैं, देवताओं को परमात्मा समझकर पूजते हैं, वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। वो कहाँ जाते हैं, उसकी गति कहाँ होती है? जो परमात्मा को याद करते हैं समझ से, वो तो सत्ययुग त्रेता में आते हैं, लेकिन जो देवताओं को पूजते हैं भगवान समझ करके, वो उनके बीच में यानी त्रेता युग में जाते हैं। और जो पितरों को पूजते हैं, अपने एंसेस्टर्स को पूजते हैं, वो उनके बीच में यानी वो द्वापर से आते हैं। और जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं, वो उन्हीं के बीच में। यहाँ एक बहुत सुंदर सिग्नल दिया है भगवान ने, हमें एक इशारा दिया है कि आज की दुनिया में जो तांत्रिक विद्या बढ़ गई है, ब्लैक मैजिक, और वो ब्लैक मैजिक करते रहते हैं किसी न किसी के ऊपर, और किसी को ये कर देते हैं, अपने इन्फ्लुएंस में लाने का प्रयत्न करते हैं, तो उसकी गति अच्छी नहीं होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं, फिर भी देवताओं की पूजा करने वाले तो अच्छे हैं, फिर भी एंसेस्टर्स को पूजने वाले भी अच्छे हैं, लेकिन जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं तो उसकी गति क्या होती है? वो भी भूत प्रेत योनि में जाते हैं, भटकती आत्माओं की योनि में जाते हैं, क्योंकि उसने उसी को अपने जीवन का आधार बनाया था। इसलिए कभी भी ये भूत प्रेत की पूजा करना या उसको अपने अधीन करना, ये सही नहीं है। कभी भी उसका सहारा नहीं लेना चाहिए, कभी कोई ब्लैक मैजिक का आधार नहीं लेना चाहिए। बहुत सुंदर रीति से भगवान ने कहा, क्योंकि कलयुग में अधिकतर लोग ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं, तांत्रिक विद्याओं का सहारा लेते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि वो उसका आधार नहीं हो। फिर आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन, कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देता है उसे मैं स्वीकार करता। जो भी भगवान को प्रेम से कोई भी चीज अर्पण करता है तो भगवान उसको स्वीकार करता। अर्थात अर्जुन, अतः अर्जुन, तू जो कुछ आराधना करता है, जो कुछ मेरी याद करता है, मुझे समर्पित कर, भगवान को समर्पित कर दो। जब सर्वस्व त्याग हो जाएगा, तब योग से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यानी भगवान को याद करो तो एक सरेंडर माइंड, समर्पण बुद्धि के साथ उसको याद करो। और जब त्याग करते हैं तो भी भगवान कहते हैं वो योग्युक्त हो जाता है और अपने कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। और इस अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को कहा, संसार में मनमना भाव होने की प्रेरणा दी है, तो कहा संसार में सभी प्राणियों के प्रति मेरा समभाव है। भगवान के लिए कोई पार्शियलिटी नहीं है कि ये बहुत अच्छा है इसको मैं मदद करूं, ये अच्छा नहीं है इसलिए मदद नहीं करूं। भगवान कहते हैं मेरे लिए सब मेरे बच्चे हैं, तो संसार में सभी प्राणियों के प्रति मेरा संभाव है, न किसी से द्वेष है, न पक्षपात है, कोई पार्शियलिटी नहीं, किंतु जो मेरी अनन्य भाव से सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मैं उसको अपना फ्रेंड समझता, और वह मेरा मित्र है और उसे और मैं उसका मित्र हूं, है ना। तो भगवान के साथ एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड क्रिएट करना बहुत अच्छा है। फिर कहा भगवान ने, जो अत्यंत दुराचारी है पर बुरे से बुरा व्यक्ति है,
जैसे वाल्मीकि की कथा आती है, इतना बुरा डाकू था लेकिन कैसे परिवर्तन होकर के वो भगवान का बन गया, तो भगवान ने उसको भी स्वीकार किया। तो इसीलिए भगवान कहते हैं जो अत्यंत दुराचारी है पर निश्चय बुद्धि होकर प्रेम भाव से मेरी शरण ग्रहण करता, अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, वह साधु मानने योग्य है। उसको भगवान कितना बड़ी दिल वाला है, उसकी बुराई को नहीं देखता है। अगर उसने अपने आप को चेंज करने का एक संकल्प ले लिया तो वो साधु मानने योग्य है और वह परम शांति को प्राप्त होता है, वह कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात कि उसकी अधोगति नहीं होती है। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण योगी राजऋषियों का तो कहना ही क्या। अगर दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी परिवर्तन करता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेता, तो ये तो अच्छे है। इसीलिए है अर्जुन, मन मना भव, तू अपने मन को मुझ में लगाओ। गीता में सबसे अच्छी बात यह है कि गीता में कहीं पर भी भगवान ने अर्जुन को ये प्रेरणा नहीं दी कि तू सन्यासी बन जा, तू अपना गृहस्थ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, नहीं, अपना कर्तव्य छोड़ दे, अपनी जिम्मेवारी नहीं। उसको यही कहा कि हे अर्जुन, तुम योगी बनो, गृहस्थ में रहते हुए भी कर्म योगी बनो, अपना कर्म करो, अपनी जिम्मेवारी संभालो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखो, ड्यूटीज को संभालो, लेकिन मन मना भव, मन को मुझ में लगा। यही भगवान ने प्रेरणा दी है अर्जुन को, कहीं पर भी सबको छोड़ने की प्रेरणा नहीं दी। इसलिए कहा कि हे अर्जुन, मन मना भव। इस तरह से 9 अध्याय तक आज हम यहाँ समाप्त करते हैं और अगली बार देखेंगे 10वां अध्याय। एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी, 4th का जो है माना अभी नेक्स्ट हमारा होगा 2 मार्च को, और 4 मार्च को शायद मैं लाइन पर नहीं आ सकूंगी क्योंकि उस दिन मेरा एक बहुत अर्जेंट काम है, बॉम्बे मुझे जाना पड़ेगा, इसीलिए जो है मैं नहीं आ पाऊंगी। तो 4th को हम लोग स्किप करेंगे, उसके बदले अगर दूसरा दिन रखना होगा तो उसके बदले वापस फिर हम सीधा नेक्स्ट वेडनेसडे को ही ले लेंगे। तो फ्राइडे स्किप करेंगे और वेडनेसडे सीधा आ जाएंगे, ठीक है? माना वेडनेसडे करेंगे, फ्राइडे स्किप करेंगे, फिर वापस सीधा वेडनेसडे पर ही आ जाएंगे। एक दिन स्किप करना पड़ेगा। On 3rd, right, दीदी? On 3rd. No, 2nd will meet, yeah, yours 3rd. आपका 3rd होगा और मेरा 2nd होगा यहाँ पर, और उसके बाद का 4th का जो है, जो आपका 5th होगा, तो आपके 5th का दिन स्किप करेंगे, 5th मार्च को स्किप करेंगे। नहीं, आपका कौन सा होगा? हाँ, हम आगे है ना, हमारा 4th होगा, आपका 3rd होगा, 3rd मार्च को स्किप करेंगे। थैंक यू दीदी। और 2 मिनट परमात्मा को याद करेंगे। आपके क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है अंदर में दीदी, इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इतना आप क्लियरली बताते हैं, हमने बहुतों को पूछा, किसी पे कोई प्रश्न नहीं है। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, मैंने कहा था ना कि देवता और यज्ञ का अधिष्ठाता, ये दोनों कंबाइंड कर दिया है, उन दोनों का आंसर कंबाइंड कर दिया है भगवान ने कि देवता कौन है, तो कहा जो दिव्य गुणों के आधार पर है वो देवता है, और जो यज्ञ का अधिष्ठाता मैं हूँ, तो दोनों का कंबाइंड कर दिया है। इसमें गीता में भी कंबाइंड है, इसीलिए उसको सेपरेट नहीं दिया है। ओके, 2 मिनट परमात्मा की स्मृति में हम सभी बैठेंगे।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ, अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो, तुम बसा है हर धड़कन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है, सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है, अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए, शुभ संकल्पों के दीप जलाए, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।